गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर यूनिट थर्ड पेपर थर्ड एलबी लाइब्रेरी में ब्रायोफाइट्स को पढ़ रहे थे। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मार्गेंशिया। तो मार्गेंशिया में हमने अभी तक यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चलेगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो टुडेज टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट डाउन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, किसका है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मार्गेंशिया प्लांट का। तो लिखे इसमें मार्गेंशिया इज हेट्रोथैलिक। मार्गेंशिया इज हेट्रोथैलिक organs male anthidiophore, male anthidiophore hence the sex organs male anthidiophore and फीमेल आर्किगोनियोफोर। फीमेल आर्किगोनियोफोर आर फॉर्म्ड ऑन सेपरेट थैलस। आर फॉर्म्ड ऑन सेपरेट थैलस फुल स्टॉप अंडर फेवरेबल कंडीशन ऑफ लाइट। अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लाइट ह्यूमिडिटी लाइट ह्यूमिडिटी एंड प्रॉपर पोर्शंस ऑफ एंड प्रॉपर पोर्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रेट इन द कार्बोहाइड्रेट एंड नाइट्रेट इन द सबस्टेटम सेक्स ऑर्गन्स। सबस्टेटम सेक्स ऑर्गन्स डेवलप ऑन द थैलस। डेवलप ऑन द थैलस द स्ट्रक्ट सेक्स ऑर्गन्स। द स्ट्रक्ट सेक्स ऑर्गन्स एंड थ्री ड्यू फोर एंड द एंथ्रीडियोफोर एंड द आर्किगोनियोफोर। आर्किगोनियोफोर आर इन डायरेक्ट कंटिन्यूशन। आर इन डायरेक्ट कंटिन्यूशन ऑफ ग्रोइंग थैलस। ऑफ ग्रोइंग थैलस एंड आर वर्टिकली पोर्शन। एंड आर वर्टिकली पोर्शन स्पेशल इरेक्ट स्टार्क्ड स्ट्रक्चर। स्पेशल इरेक्ट स्टार्क्ड स्ट्रक्चर फुल स्टॉप। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियोफोर के बारे में। तो टॉपिक डाल लीजिए डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियोफोर। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियो हमने अभी तक क्या पढ़ा है। इसमें मार्गेंशिया जो होता है वो गैसियस बोल सकते हैं या हेट्रोथैलिक बोल सकते हैं। इट मींस प्लांट एक ही होता है लेकिन प्लांट के डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस पे। इट मींस या
हो रहा है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं प्लांट एक ही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग थैलस बन रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आ लीजिए डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियोफोर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिखे स्टार्क एंड ए टर्मिनल, स्टार्क एंड ए टर्मिनल फ्लैट जर्नली, फ्लैट जर्नली एट लॉब्ड डिस्क, एट लॉब्ड डिस्क। द लोब डिस्क डेवलप एज, द लोब डिस्क डेवलप एज टर्मिनल लॉब डिस्क इज कंसिडर्ड, टर्मिनल लोब्ड डिस्क इज कंसिडर्ड एज ए मच मॉडिफाइड, एज ए मच मॉडिफाइड ब्रांचेस्ड सिस्टम। ब्रांचेस सिस्टम फुल स्टॉप। सिस्टम फुल स्टॉप। ईच लोब रिप्रेजेंट द, ईच लोब रिप्रेजेंट्स द टर्मिनल और एपिकल पार्ट ऑफ, टर्मिनल और एपिकल पार्ट ऑफ ऑफ ए ब्रांच, ए ब्रांच। द ग्रोइंग पॉइंट बीइंग, द ग्रोइंग पॉइंट बीइंग स्टूटेड एट द टिप ऑफ, स्टूटेड एट द टिप ऑफ ईच लोब, ईच लोब। फुल स्टॉप। नेक्स्ट आगे लिखें द लोब डिस्क रिजल्ट, द लोब्ड डिस्क रिजल्ट द लोब्ड डिस्क रिजल्ट फ्रॉम द रिपीटेड लोकलाइज्ड, फ्रॉम द रिपीटेड लोकलाइज्ड फ्रंकिंग्स ऑफ द एंथ्रीडियल ब्रांच, फ्रंकिंग्स ऑफ द एंथ्रीडियल ब्रांच गिविंग राइज टू 4 to 8 लोब्स, giving rise to 4 to 8 lobes, stalk of the anthridiophore, stalk of the anthridiophore has faces out of these, has faces out of these
आर फॉरवर्ड, थ्री आर फॉरवर्ड, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप. द फॉरोज ऑन टू साइड्स, द फॉरोज ऑन टू साइड्स, आर क्वाइट डीप, आर क्वाइट डीप. Sides are quite deep and at sides they cover the sides in such a manner that two longitudinal groves are formed. Longitudinal groves are formed. Full stop. These are present throughout. The length other star, the length other star, full stop. The central area of the thallus, the central area of the thallus is quite thick and has the following structure. Structure. First, upper assimilatory zone. Is present like in the vegetative thallus, Next, this zone in addition to the pores air chambers and filaments contain survival big cavities. Big cavities which are occupied by stalk anthidias. Full stop. The anterior chamber is formed
formed by growth of vegetative tissue. Growth of vegetative tissue. Vegetative tissue around developing anteria. Around developing anteria. Full stop. Next, third point. Anteria rise in acropetal succession. For example, the youngest are towards the margin and oldest towards the center. Full stop. Next, fourth point. One row of anteria are formed from each growing point. Full stop. ठीक है, ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एंटीरिया के बारे में. अब हम इसका डायग्राम देखेंगे. डायग्राम इसके बनाएंगे. Thank you.
पहले तो डायग्राम फिर वो बनाऊंगी, मैं पहले इसको बना लीजिए।
बना लीजिए कंप्लीटली डायग्राम। डेवलपमेंट ऑफ इंटीरियर, आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट इंटीरियर के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे आगे फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।